पकोड़े तो आपने बहुत खाए होंगे, पर मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक यूनिक पकोड़ा जो विद हरी चटनी। और ये चटनी भी बहुत टेस्टी है, पकोड़ा भी बहुत टेस्टी और हेल्थी है, क्योंकि पकोड़ा पूरी तरह सब्जियों से भरा पड़ा है। तो ये आप ज़रूर देखिएगा वीडियो को लास्ट तक और ट्राई करके बताइएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल अनुलेखा किचन रेसिपी। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बनाते हैं चटनी। चटनी के लिए मैंने लिया है एक मिक्सर जार, उसमें मैंने फ्रेश धनिया जो है धोकर काट के डाला है, और पुदीना हरा की पत्तियाँ मैंने डाली हैं कुछ। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी हरी मिर्च, काट के आप हरी मिर्च ऐड कर दीजिएगा। आपको कितना तीखा खाना है, पकोड़े में भी हम मिर्ची डालेंगे तो थोड़ा सा तीखापन का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैंने टमाटर को गैस में थोड़ा सा रोस्ट करके डाला है, तो आप थोड़ा सा सेक कर रोस्ट करके डालिएगा, और नमक स्वाद अनुसार। और इसका मैं बना दूँगी एक अच्छा सा मिक्सचर। पहले हम डाल लेते हैं एक मेन इंग्रेडिएंट्स जो चटनी पे थिकनेस देगा, नमकीन। कोई भी नमकीन आप डाल लीजिएगा और इसे पीस के चटनी तैयार कर लीजिएगा। अब एक दूसरे बाउल में मैंने लिया है वेजिटेबल्स, जिसमें मैंने ली है आलू, पत्ता गोभी, इसमें मैंने पत्ता गोभी को बारीक काटा है, और पालक जिसे धोकर बारीक काट लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी कटी हुई गोभी जो मैंने बारीक काट के और धो के रखी है, ये गोभी मैं ऐड कर दूँगी, कॉलीफ्लावर। और इसमें अब मैं ऐड कर दूँगी बारीक कटे हुए गाजर, तो ये गाजर ऐड हो गए हैं। अब इसमें ऐड कर दूँगी मैं बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च आप लंबी भी रख सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर बारीक बारीक ली है सब्जी के अकॉर्डिंग। और अब इसमें ऐड कर दूँगी मैं लगभग आधा कटोरी मटर, और अब इसमें हम ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ धनिया। तो धनिया बहुत ही स्वादिष्ट होता है पकौड़ों में। और इसमें ऐड कर दूँगी मैं बेसन, अभी मैं बेसन थोड़ा सा मिला रही हूँ, फिर मैं इसमें और ऐड कर दूँगी जब इसमें नीडेड होगी। मैंने ज़रूरत के अकॉर्डिंग आपको बेसन लेना है। ऐड कर दूँगी मैं नमक स्वाद अनुसार, और दूसरे मसाले जैसे कि लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आपको आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है, आपको कितना तीखा खाना है पकौड़ा। चटनी के साथ है तो आप थोड़ा सा कम डालिएगा, क्योंकि चटनी में भी ऑलरेडी मिर्ची है। और इसमें मैं ऐड कर दूँगी हींग। हींग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों, कोई भी बेसन की आप रेसिपी बनाए तो हींग ज़रूर डालिएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कर लीजिए करिएगा, ये है हमारे सौंफ। एक चम्मच मैंने सौंफ लिया है, ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है। और यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी चाट मसाला। चाट मसाला ऑप्शनल है, पर यह टेस्ट अच्छा रहता है इसीलिए मैंने इसे डाला है। और इसे हम कर देंगे अच्छे से मिक्स। चाट मसाला डालने के बाद लगभग मैंने 1/4 टीस्पून चाट मसाला डाला है। अब इसे आप अच्छे से कर दीजिएगा मिक्स पूरे। पहले मसालों को, बेसन को सब्जी में हम मिक्स कर लेंगे सभी सब्जियों के साथ, ये देखिए। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे अच्छे से बैटर तैयार करेंगे। और यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी अब राइस फ्लावर, मीन्स हमारे चावल के आटे जो हमारे पकौड़ों को करते हैं बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा, और इसे भी मैं ऐड कर दूँगी। अब मुझे लग रहा है बेसन अगर मुझे ऐड करना है कि थोड़ा सा कम सा लग रहा है, तब मैं इसमें ऐड कर दूँगी हमारे थोड़े से और बेसन जो बच गए थे। अब मैं इसे भी पानी डाल के अच्छे से इसका बैटर तैयार करूँगी। बैटर को आपको पतला नहीं करना है ज़्यादा। और ये अच्छे से बैटर हो गया है तैयार। अब हम लेंगे एक कढ़ाई, उस कढ़ाई पे मैंने डाल दिया है तेल, और इस तेल को हो गए हैं गरम। अब हम पकोड़े डाल देंगे। आपको कैसे डालने हैं, छोटे छोटे या बड़े बड़े, जो भी आपको, अगर छोटे पकोड़े हैं पसंद करते हैं तो छोटे छोटे डालिए, या बड़े बड़े भी आप पकोड़े डाल के इसे तल सकते हैं। और हम इसे कर देंगे इस दोनों साइड से फ्राई। गैस की फ्लेम को हमेशा पकोड़े तलते समय मीडियम में रखना, क्योंकि ये जल्दी अगर बाहर से पक गए तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इस कारण आप गैस की फ्लेम को है वो बिल्कुल मीडियम में रखना या लो में रखना, और धीरे धीरे से पकाना। तो ये देखिए एक साइड से लगभग ये पक चुका है। अब इसे हम पलटा देंगे, ये देखिए। अब हम पलटा के इसे दूसरे साइड से भी पका लेंगे। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप पकौड़ों में मटर डालें तो थोड़ा सा सावधानी से आप इसे तलिएगा, क्योंकि मटर है फूटते हैं थोड़ा तेल पे जाके, तो कहीं आपकी आँख वाँख में ना पड़ जाए। तो बहुत सावधानी से इसे
बनाइएगा। अब हम इसमें अच्छे से इसे दोनों साइड से पका लेंगे, ये देखिए। और अब इसे एक टिश्यू वाला जो पेपर रहेगा, टिश्यू पेपर है या पेपर है न्यूज़पेपर, वो भी प्लेट में रख के आप आराम से इसे निकाल लीजिएगा ताकि तेल इससे पूरी तरह निकल जाए। और चावल के आटे डाला है तो हम वैसे भी बहुत कुरकुरा बनेगा ये। और अब मैं इसे निकाल लूँगी, ये देखिए टिश्यू पेपर के जो प्लेट है मेरे पास, मैंने उसे निकाल लिया है। और गर्मा गर्म हरी चटनी के साथ इसे खाइएगा। और दूसरी टाइप से जो दूसरा और बैटर बना है, सिमिलर वे में हम इसे भी अच्छे से तल लेंगे। तो ये हो गया मेरा वन ट्रिप। सेकंड भी मैं ऐसे ही इसमें पकोड़े डाल के आराम से तल लूँगी। और दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरी अदर वीडियोस की लिंक दे दी है, तो वहाँ जाकर आप मेरी अदर वीडियोस भी देख सकते हैं। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट्स करके ज़रूर लिखिएगा कि ये हरा भरा पकोड़ा जो है आपको कैसा लगा, ताकि मुझे मोटिवेशनल मिले और मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। तो ये हो गए हैं मेरे पकोड़े बिल्कुल रेडी, दूसरे वाले भी। और हम भी इसे निकाल लेंगे इसी तरह। इसे गर्मा गर्म आप चटनियों के साथ खाइए, सॉस के साथ खाइए और ठंडियों का आनंद लीजिए। कमेंट्स करके ज़रूर लिखिएगा दोस्तों कि वीडियो कैसी लगी।